महाराष्ट्र ग्राम पंचायत इलेक्शंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र MIM के प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के खासदार जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, इन्होंने फैसला किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस ग्राम पंचायत के इलेक्शन में उतरेगी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे कायद सैयद इम्तियाज जलील साहब का, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का, कि उन्होंने जो है औरंगाबाद ज़िले की ग्राम पंचायत इलेक्शन के इंचार्ज के तौर पर जो है तो मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले, उसे मोहब्बतों से नवाजने वाले हर गांव-गांव, हर तबके, हर देहात के अंदर मौजूद है। और इस ग्राम पंचायत के इलेक्शन के मद्देनज़र हम गांव-गांव तक, ग्रास रूट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जहां जहां भी पैनल्स खड़े होते हैं ग्राम पंचायत के और जहां मजलिस के उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनको एफिलिएशन की ज़रूरत होती है, वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ में खड़े रहेगी। मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो ज़िम्मेदारान है, हमारे ज़िला सदर है, शहर सदर है, उसके अलावा हमारे कारपोरेटर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, तमाम मजलिस के चाहने वाले हैं। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी उनके लिए वो गाँव-गाँव तक पहुँचेंगे, उनको मदद करेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस होने वाले ग्राम पंचायत के इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कई ग्राम पंचायतों के अंदर बड़ी तादाद में जो है तो कामयाबी मिलेंगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैनल से लड़ने वाले लोग बड़ी तादाद में पैनल्स जो है तो ग्राम पंचायत के सदस्य बनेंगे और कई जगह पर हमारे सरपंच भी जो है तो बनेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे औरंगाबाद ज़िले की आवाम का, मजलिस हमारे नौजवान साथियों का, कि उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो मोहब्बतों से नवाजा और उनकी ख्वाहिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गांव-गांव तक पहुँचे पूरी तरीके से उसको साथ देते हुए इम्तियाज़ जलील साहब ने ये फैसला किया है कि ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में हम उतरेंगे। और बहुत ही जल्द मैं समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात इलेक्शंस होने के बाद में नतीजे जब आएंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल करेंगे। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।